हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आज हमने कौन कौन सी ट्रेड की और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और उसके बाद मिड कैप निफ्टी का आज ट्यूसडे के दिन का मूवमेंट कैसा था, और कल एक्सपायरी के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल में। तो आज हमारी जो ट्रेड थी वो थी फिन निफ्टी की एजुकेशनल ट्रेड 20,550 की कॉल, 35 से लेकर 48 तक का हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें हमें 40% का रिटर्न इस ट्रेड में देखने को मिला। उसी के साथ साथ हमें सेकंड टारगेट हिट होते हुए अपना देखने को मिला। इस ट्रेड का अगर लॉजिक अपन देखें तो उसके लिए अपन चलते हैं पहले फिन निफ्टी के चार्ट में। आज हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, जिसका ब्रेकआउट हुआ अराउंड 2:30 पे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का वापस रीटेस्ट हुआ वहाँ पे हमने अपनी एंट्री की थी, और वहाँ से हमें छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला था अराउंड यहाँ पे अगर अपन मार्क करें तो 60 पॉइंट्स के आसपास का। इस ट्रेड का लॉजिक यही था कि इस लेवल के ऊपर जैसे ही अपन को एक क्लोजिंग देखने को मिली थी वहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही थी, तो पर शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं होने के कारण वापस हमें साइडवेज मोमेंटम में ही क्लोजिंग देखने को मिल गई, और हमें एक छोटा सा 40% का रिटर्न देखने को मिला अपने ट्रेड में। तो ये था उस ट्रेड का लॉजिक। अब चलिए चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ कैसा क्या मोमेंटम था आज ट्यूजडे के दिन। तो अभी अपन आ गए चार्ट में, और यहाँ पे एक हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत वोलेटाइल कैंडल देखने को मिली। इसका अगर अपन डाउन साइड में मार्क करेंगे ऐसे, और अप साइड में अगर अपन एक ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। इस ट्रायंगल पैटर्न को आप जरूर कमेंट सेक्शन में था, और जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेक हुआ वहाँ से अगर हम मार्क करें तो एक 18 पॉइंट्स के आसपास की हमें मूवमेंट देखने को मिली है। और अगर इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन को एक साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला, यहाँ पे सिर्फ हमें एक साइडवेज मोमेंटम में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला, और यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन भी देखने को मिली है, जिसके ब्रेकडाउन के आसपास से हमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक स्कैल्पिंग का मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से मार्क करें तो 42 पॉइंट से एक बहुत अच्छा डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। और सेकंड हाफ में एक और हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिला, इस चार्ट पैटर्न को भी आप जरूर कमेंट सेक्शन बताएं। जैसे ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ ये वाली कैंडल से अराउंड 2:15 वाली कैंडल से, तो वहाँ से अगर अपन मार्क करेंगे तो अपन को सीधे 33 पॉइंट्स का एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो आज के दिन हमें बहुत अच्छे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स का हमें लॉजिक देखने को मिला मिड कैप निफ्टी में, और हमें बहुत सारे स्कैल्पिंग के लिए सेटअप देखने को मिले थे। तो ये था आज का मिड कैप निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम, और बात देखेंगे कल एक्सपायरी वेडनेसडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जहाँ पे अपन को मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। अगर कल के दिन पहले ये लेवल के ऊपर निकलता है जो कि अराउंड 8439 के आसपास का लेवल, तो हमें एक अपसाइड की मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकती है मिड कैप निफ्टी में, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 8448 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे अपना अगला टारगेट ऑल टाइम हाई जो कि रह गया 8465 के ऊपर। अगर इसके ऊपर भी निकलता है 8465 के ऊपर तो हमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। जो भी लोग इन लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे उनकी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, और सीधे फिर अपना जो अगला टारगेट निकलेगा वो सीधे अपन को 8500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपसाइड में अगर 8439 के ऊपर सस्टेन करता है कल के दिन वेडनेसडे के दिन। तो अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल डाउनसाइड में ब्रेक करेगा जो कि 8376 के आसपास का, तो हमें डाउनसाइड की यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट पैटर्न ये वाला लेवल रहेगा जो कि है 8363 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे अपना अगला टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 8334 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट जहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो रहेगा ये लेवल जो कि 8307 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 8257 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में अगर 8376 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है। तो अगर इस रेंज में ही ट्रेड करता है कल के दिन तो हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे हमें प्रीमियम डीके भी बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे हमें कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें जहाँ अपन को डायरेक्शनल मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए हमें या तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा जो कि 8440 के आसपास का, और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो कि 8376 का, तो हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले मिड कैप निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो अपन उसे भी मार्क करने की कोशिश करते हैं। एक अपन को ज़रूर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी अगर अपन इस लेवल से मार्क करेंगे, और ऐसे अगर अपन एक्सटेंड कर देंगे तो अगर ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ 8439 का लेवल भी ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अपसाइड की बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड में अगर अपन एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो यहाँ से अगर अपन ये वाली ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो अपन को एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी।
तो जिस तरफ भी ट्रेंड लाइन और ये लेवल्स के साथ हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उस तरफ हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है कल एक्सपायरी के दिन मिड कैप निफ्टी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंटरडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।